महाराष्ट्र के सियासी ड्रामा में आज उद्धव के सीएम पद की शपथ लेते ही खत्म हो जाएगा उसी के साथ। महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा आज उद्धव के सीएम पद की शपथ लेते ही खत्म हो जाएगा उसी के साथ। ठाकरे परिवार के इतिहास में पहली बार कोई सीएम पद की शपथ लेगा। बता दें कि शपथ समारोह के लिए शिवसेना ने मुंबई के शिवाजी पार्क को चुना है। शिवाजी पार्क और शिवसेना का संबंध आज या कल का नहीं बल्कि बीते 5 दशक से है। ठाकरे परिवार के 4 पीढ़ियों तक का राजनीतिक सफर देख चुका ये पार्क शिवसेना के सभी सुख दुख का साथी रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए शिवाजी पार्क को ही चुनने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि ये जगह बाल ठाकरे को काफ़ी करीब रही है। शिवाजी पार्क शिवसेना की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है। यहीं से बाला साहब ने शिवसेना की शुरुआत की थी। साल 1966 में भगवा दल की पहली रैली भी यहीं से हुई थी। इसके अलावा पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार और 1995 में पार्टी की ओर से पहले मुख्यमंत्री बने मनोहर जोशी के शपथ ग्रहण तक का गवाह भी यह मैदान रहा है। पार्क के उदय की बात करें तो दादर वडाला माटुंगा सायन माहिम शहर योजना के दौरान बना 28 एकड़ में फैला खेल का मैदान 1925-26 में दादर में पहली बार अस्तित्व में आया था। शिवाजी पार्क इलाके में 80 साल से रह रहे अशोक रावत के मुताबिक 1927 में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की जयंती पर इसका नाम शिवाजी पार्क रखा गया। इस मैदान के इतिहास में कई दिग्गजों ने यहीं से अपनी शुरुआत की थी जिसमें क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली भी शामिल है। स्वतंत्रता आंदोलनों की बैठक का साक्षी भी ये मैदान रह चुका है। साल 1960 के दशक में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर चलाया गया संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन भी इसी जगह से शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां बाला साहब की पहली रैली का आयोजन होना था। तब परिवार इस बात को लेकर आशंकित था कि क्या भीड़ यहां आ पाएगी। बाल ठाकरे के करीब रहा ये मैदान पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए आस्था का केंद्र है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।